नमस्ते किसान, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक अमेरिकन ट्रैक्टर का, जिसका नाम है जॉन डियर 5036D। ये फर्स्ट टाइम 1919 को लॉन्च हुआ था और आज ये अपने सेकंड जनरेशन में चल रहा है। जॉन डियर ट्रैक्टर सिर्फ डीजल में आता है। रेंज शुरू होती है 5,50,000 से, टॉप मॉडल कीमत है 32 लाख रुपीज। और ये बेस्ट मॉडल देख रहे हैं आप, जॉन डियर 5036D। ये 36 हॉर्स पावर में आता है, टू व्हील ड्राइव है जॉन डियर 5036D। इसके अंदर आपको 35 हॉर्स पावर से लेकर 120 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर मिलेंगे जॉन डियर के इंडिया में, जिसमें आपको टू व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव दोनों का ऑप्शन मिलेगा। और ये है दो बड़े बड़े हेडलैम्प, बीच में जॉन डियर का लोगो दिया गया है। और ये है इसकी फ्रंट रेडिएटर ग्रिल ब्लैक कलर में। आगे आप एक्सटर्नल बेट लगवा सकते हैं और यहाँ से आप की इंसर्ट करके बोनट ओपन कर सकते हैं। और यहाँ आगे की तरफ आप फ्रंट बम्पर अलग से लगवा सकते हैं एक्सेसरीज में जो आएगा। जॉन डियर कंपनी के फाउंडर का ही नाम है, जिन्होंने 1837 में कंपनी की शुरुआत अमेरिका में की थी। आज दुनिया की सबसे बड़ी और लीडिंग एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कंपनी में से एक है जॉन डियर। सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग व्हील मिलेगा आपको जॉन डियर 5036D में। इंटरनेशनल मार्केट्स में 620 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर आते हैं जॉन डियर के, बट वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। इंडिया में सिर्फ 35 हॉर्स पावर से लेकर 120 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर आते हैं, जिसमें 120 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है जॉन डियर 6110, जिसकी कीमत है 32 लाख रुपीज। और ये है 5036D का स्टिकर। और ये है जॉन डियर का स्टिकर, 5036D मॉडल का स्टिकर है, जॉन डियर का स्टिकर दिया गया है। और यहाँ नीचे की तरफ वैल्यू ट्रिपल प्लस का स्टिकर दिया गया है। और ये है रिवर्स बी मिरर, जॉन डियर के 5th जनरेशन फैमिली में आता है 5036D ट्रैक्टर। हैवी ड्यूटी 3.0 लिंकेज सिस्टम मिलेगा आपको जॉन डियर 5036W। 6x16 यानी कि 6x16 प्लाई के फ्रंट टायर मिलेंगे, MRF कंपनी के टायर्स मिलेंगे आपको जॉन डियर में 6 बोल्ट्स के साथ। ऑयल इमर्जेंसी डिस्क ब्रेक मिलेंगे जॉन डियर 5036D में। जॉन डियर 5036D के पिछले टायर में आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा, डुअल एलिमेंट के एड ऑन प्री क्लीनर पावर कोर एयर फिल्टर है। जॉन डियर के इंडिया में और भी प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे जॉन डियर ड्राइव ट्रेन कंपोनेंट, कंबाइन हार्वेस्टर इम्प्लीमेंट, इंडस्ट्रियल डीजल इंजन, मरीन इंजन्स जॉन डियर के आते हैं। और ये है शानदार विनाइल सीट्स येलो कलर में, स्टाइलिश एलो विनाइल अपोल्स्ट्री है सीट। और ये है साइड इंडिकेटर्स, और यहाँ साइड में हैंडल दिया गया है ऊपर चढ़ने के लिए। काफ़ी कंफर्टेबल बेहतरीन सीट दी गई है, ड्राइवर सीट ग्रीन पेंट और येलो हाइलाइट्स के साथ आती है जॉन डियर के ट्रैक्टर्स। और यहाँ पर एक प्लास्टिक वेट लगाया गया है पैर रखने के लिए, जैसे कि ट्रैक्टर की जो गर्म हवा है वो ड्राइवर के पैरों तक नहीं पहुँचेगी, साइड में इसलिए ग्लास लगाए गए हैं। और ये है, इस पर रख सकते हैं आप अपने पैरों को इजीली। और ये है रियर व्हील, 13.6x28 के रियर टायर मिलेंगे, 12.4x28 ये ऑप्शनल टायर मिल जाते हैं आपको इसके अंदर, यानी कि 12.4x28 के ऑप्शनल टायर मिलेंगे। और इसके अंदर जो डला है वो 13.6x28 के टायर डले हैं। पीछे भी आपको MRF कंपनी के टायर्स मिलते हैं, 7 नट बोल्ट्स के साथ आते हैं रियर टायर्स। आइए ट्रैक्टर का रियर प्रोफाइल देखते हैं। इसके अंदर 8 फॉरवर्डेड 4 रिवर्स गियर सिस्टम मिलते हैं।
और ये है रियर टेल लाइट, ये है रियर इमरजेंसी बैक लाइट। ये दोनों साइड के बम्पर जो लगे हुए हैं, मैड गार्ड बोलते हैं आप इसे। और यहाँ सीट के, ड्राइवर सीट के ठीक पीछे आपको 60 लीटर का डीजल टैंक दिया गया है। यहाँ से आप इसे ओपन करके यहाँ से आप डीजल फिल कर सकते हैं इसके अंदर। ऊपर आपको 12 का चार्जिंग पोर्ट भी दिए गए है। और ये है रिफ्लेक्टर, ये पीछे से आ रहे वाहन को संकेत देगा कि आगे कोई ट्रैक्टर चल रहा है। ये रिफ्लेक्टर इसीलिए लगाए जाते हैं। और यहाँ से आप बैक इम्प्लीमेंट को, जो भी आप इम्प्लीमेंट चलाना चाहते हैं उसे आप लगा सकते हैं। बैक इम्प्लीमेंट यानी कि जैसे रोटावेटर या कल्टीवेटर या फिर थ्रेसर। 1000 से 1200 केजी की लिफ्ट कैपेसिटी है, सॉरी 1200 से 1500 केजी की लिफ्ट कैपेसिटी है जॉन डियर 5036D का। 540 आरपीएम पीटीयू पावर दी गई है इसके अंदर। 31 एचपी की पीटीयू पावर है। और यहाँ से आप कोई इलेक्ट्रिक जैसे बल्ब वगैरह का काम कर सकते हैं। इसे ओपन करेंगे तो यहाँ से ये सॉकेट आजकल हर ट्रैक्टर में आने लग गए हैं। यहाँ से आप सभी इम्प्लीमेंट को आप अटैच कर सकते हैं अपने ट्रैक्टर के साथ। और यह है इसकी रियर टेल लाइट दूसरी साइड की। और यहाँ ऊपर की तरफ आपको टूल बॉक्स दिया गया है जिसके अंदर आप अपने सारे टूल्स रख सकते हैं। और यहाँ आगे की तरफ यहाँ डीजल टैंक पर ही आपको 12V का चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। ये है सीट एडजस्टर, यहाँ से आप ड्राइवर सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। 3.13 किलोमीटर की पर आवर की फॉरवर्डेड स्पीड है जॉन डियर 5036 का। लगभग 34 किलोमीटर पर आवर तक फॉरवर्डेड स्पीड मिल सकती है आपको इससे। और रियर स्पीड की अगर बात करें 4.10 यानी 10 किलोमीटर की रिवर्स स्पीड है। लिंकेज ऑटोमेटिक डेप डायरेक्ट कॉलिंग इंजन मिलता है इंडिपेंडेंट 6 स्पलाइन के साथ। डायमेंशन की बात करें 1.9 मीटर डील वेस है, 3.4 मीटर लेंथ है, 1.78 मीटर हाइट है, 319 mm ग्राउंड क्लियरेंस है, 2.9 मीटर टर्निंग रेडियस है और 1760 केजी टोटल वेट है जॉन डियर 5036 का। और यह है इसका एग्जॉस्ट टेल पाइप। यहाँ पर एक शीशा लगाया गया है यानी कांच लगाया गया है जिससे कि ट्रैक्टर चला रहे ड्राइवर्स को जो पैरों में गर्म हवा लगती है वो ना लगने पाए। और ये है वैल्यू ट्रिपल प्लस की स्टिकर। साइड इंडिकेटर्स हैं और ये है हैंडल बार जिससे ऊपर आप चढ़ सकते हैं पकड़कर। और ये है शानदार सीट्स ड्राइवर सीट। यहाँ पर आपको कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दी गई हैं। साइड में अटैचमेंट के लिए आपको कंट्रोल्स दिए गए हैं, दूसरी साइड आपको पीटीओ के कंट्रोल्स दिए गए हैं जिससे आप पीटीओ आसानी से रन कर पाएंगे। और ये है इसका स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील पर आपको जॉन डियर का लोगो दिया गया है। 3-स्पोक पावर स्टीयरिंग व्हील मिलेगा आपको जॉन डियर में। और यहाँ साइड में आपको हैजर्ड लाइट का बटन दिया गया है। ये है चार्जिंग पोर्ट, यहाँ पर आपको सभी तरह के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, हॉर्न लाइट और हैजर्ड लाइट के बटन। और यह है इसका स्टाइलिश इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो दिखाएगा आरपीएम मीटर, स्पीडोमीटर, कूल एंड टेम्परेचर, फ्यूल लेवल और भी कई वार्निंग लाइट्स दिखाएगा ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। काफ़ी बड़े साइज में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा आपको इसके अंदर जो काफ़ी कुछ वार्निंग लाइट्स दिखाएगा आपको इसके अंदर ट्रैक्टर से रिलेटेड। और यहाँ नीचे की तरफ आपको लाइट के कंट्रोल्स दिए गए हैं। हॉर्न है, मैनुअल एस्केलेटर्स है, आपको पैडल वाला भी एस्केलेटर मिलेगा जो लेफ्ट साइड राइट साइड दिया गया है। यहाँ पर आपको इंजन स्टॉप करने के लिए लीवर दिया गया है और कई सारे कंट्रोल्स दे रखे हैं इसके अंदर। थोड़ी बहुत यहाँ पर साइड में आपको ड्राइवर के लिए स्पेस भी दिया गया है जैसे मोबाइल फ़ोन वगैरह रख सकते हैं आप इसके अंदर, यहाँ से आप की इंसर्ट वगैरह कर सकते हैं। यहाँ दोनों साइड पैडल्स और एस्केलेटर ब्रेक के कंट्रोल्स दिए गए हैं। ये है रिवर्स व्यू मिरर,
हाँ ये बोनट खोलते हैं और देखते हैं डीजल इंजन। ये आप 36 हॉर्स पावर जॉन डियर 5036D ट्रैक्टर देख रहे हैं। इसके अंदर आपका 2900cc इनलाइन 3 सिलेंडर ड्राई टाइप डुअल एलिमेंट कूल्ड वाटर कूलर बोस्ट डीजल इंजन आता है जिसकी 36 हॉर्स पावर है, 4 लीटर का एवरेज देगा पर आवर्स के हिसाब से 16 लीटर के फ्यूल टैंक से। तो कैसा लगा आपको ये जॉन डियर 5036D ट्रैक्टर हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब